नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें खबर के साथ। नवगठित जिलों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर जिला स्थापना कार्यक्रम आज होने जा रहा है। कलेक्टर करेंगे अधिसूचना का पठन और अस्तित्व में आएंगे नए जिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वर्चुअली नए जिलों का उद्घाटन करेंगे। सीएम अशोक गहलोत बटन दबाकर शिला पट्टिकाओं का अनावरण करेंगे और बिरला ऑडिटोरियम में वर्चुअली उद्घाटन कार्यक्रम होगा। समारोह में पूजा अर्चना भारतीय संस्कृति के अनुसार ये पूरी तरीके से समारोह आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन होगा सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, हवन पूजा का कार्यक्रम है। उसके बाद दोपहर 12:10 से जिला कलेक्टर अधिसूचना का पाठन करेंगे और दोपहर 12:15 के करीब राजस्व मंत्री का उद्बोधन होगा। दोपहर 12:25 पर सीएम अशोक गहलोत बटन दबाकर अनावरण करेंगे नए जिलों का। नवगठित जिलों की शिला पट्टिका का वर्चुअली अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12:30 से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन होगा, तो वहीं कार्यक्रम में सर्व धर्म गुरुओं का भी आशीर्वचन होगा। नवगठित जिलों में प्रभारी मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। और सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशि, आज का दिन बेहद खास है प्रदेश के लिए, क्योंकि 19 नए जिले जिनकी घोषणा की गई थी, आज उनका उद्घाटन होगा पूरे विधिवत तरीके से। क्या कुछ ही पूरा कार्यक्रम होगा, कितना खास होगा, कौन कौन वहां पर रहेंगे? अंकुर, देखिए, प्रदेश को 19 नए जिले मिल गए हैं। हालांकि 17 नए जिले हैं, 2 जिलों का पुनर्गठन हुआ है, जयपुर और जोधपुर का जी। और आज विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। हालांकि ये कोई उद्घाटन या शिलान्यास जैसा कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई बांध नहीं बना है, कोई सड़क नहीं बनी है जिसका कोई विधिवत शिलान्यास या शुरुआत की जाती हो। ये काम प्रशासनिक काम है, एक अधिसूचना के जरिए ही हो जाते हैं। लेकिन सरकार लोगों को एहसास कैसे कराएगी कि सरकार ने कितनी बड़ी चीज लोगों को दी है? हालांकि लोगों को इसका एहसास होने में वक्त लगेगा। जैसे जैसे कलेक्ट्रेट शुरू होंगे, एसपी ऑफिस शुरू होंगे, लोगों को अपनी जो जरूरतें हैं, जो ग्रीवेंसेज हैं, उनकी पूर्ति जल्दी होती दिखेगी। कम समय लगेगा, कम दूरी लगेगी, कम खर्चा लगेगा उनका, तो उनको उसका फायदा पता लगेगा। और जहां तक कौन कौन मौजूद रहेंगे की बात है, तो प्रदेश का पूरा प्रशासनिक अमला इसका गवाह बनेगा, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, और पूरा मंत्री परिषद। इसके साथ में विधायक भी मौजूद रहेंगे, खासतौर से जिन जगहों पर नए जिले बने हैं वहां के विधायक मंत्री मौजूद रहेंगे। आप देखिए, अब से पहले जब इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, तब सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है अपने अपने प्रभार वाले जिले में जाने के लिए जी। लेकिन अब की बार चुनावी वर्ष है, चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो सरकार उन विधायकों मंत्रियों को ये मौका देना चाहती है कि अपने उस क्षेत्र में जाएं जहां पर उन्होंने जिला चुनवाने के लिए प्रयास किए, यहां या फिर सरकार ने उस जगह को जिला बनाया जी। तो यही कारण है कि मंत्री राजेंद्र यादव अपने कोटपूतली क्षेत्र में रहेंगे जहां जिला बनाया गया है। इसी तरीके से सुखराम बिश्नोई है, वो अपने सांचौर में रहेंगे जहां पर जिला बनाया गया है। लालचंद कटारिया जयपुर में ही रहेंगे। तो कोशिश ये की गई है कि मंत्रियों को उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ जिला ही दिया जाए। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी हैं, मसलन प्रताप सिंह खचरियावास को सलूम्बर जाना होगा, और जो शकुंतला रावत है उनको नींदा थाना आना होगा। वो इसलिए क्योंकि प्रभारी मंत्रियों के नाते कुछ जगह मंत्रियों को भेजना जरूरी भी था, और सरकार की यही कोशिश है कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा के जरिए ये मैसेज दिया जाए कि जिला और सरकार किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पार्टी का, किसी एक धर्म का ना होता है ना होगा, वो सभी का है। और सभी धर्मों के हिसाब से शांति पाठ होते हैं कि जिले की शुरुआत हुई है, स्थापना हुई है, तो उस जगह शांति हो, क्योंकि शांति से ही समृद्धि आएगी, और समृद्धि रहेगी तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। यही उद्देश्य सरकार का है जिलों के गठन के पीछे, कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आज अस्तित्व में ये नए जिले आएंगे और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन जिलों का और जिलों की पट्टिकाओं का, जो है शिला पट्टिकाएं, उनका उद्घाटन करेंगे।